आज कार्तिक का जन्म दिवस है। कार्तिक हमारे आदरणीय शंकर जी माली साहब के सुपुत्र हैं। आपकी माताश्री भी आई हैं और आज जन्म दिवस को कुछ हटके मना रहे हैं। आपने आपके वजन जितना गुड़ खरीदा है, बहुत बहुत शुभकामना, गौ माता की कृपा इनको मिलेगी। ये सिरोही की अर्बुदा गौशाला है और हमारी आवाज़ सुनते ही बछड़ों में भी जोश आ गया, बछड़े भी एक तरह से हमारी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। कितना कितना किलो है? 20 किलो गुड़ है। चलिए, हो सकता है 20 किलो इनका वजन भी नहीं होगा, लेकिन 20 किलो ये गुड़ लाए हैं। ये एक प्रेरणादायी कार्य है और इस तरह का कार्य हमको सिरोही वासियों को जरूर करना चाहिए। ये गुड़ खिलाया जाएगा, खिला रहे हैं, और खिलाने का एक तरीका है कि हर बछड़े को ये मिलेगा। लेकिन आज हम कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं, क्योंकि सिरोही में अर्बुदा गौशाला को चलते हुए, चलिए एक बार एक एक को देना है। चलो शंकर जी, भाई साहब आपने शुरुआत कर दी, अब बाकी का काम इनको दे देते हैं, इनके हाथ से दे लेते हैं। ठीक है, चलिए जय गो माता। ये एक विहंगम नजारा है और इससे बढ़िया कोई जन्म दिवस नहीं मनाया जा सकता, इससे बढ़िया कोई जन्म दिवस नहीं मनाया जा सकता। हालांकि ये यहाँ की व्यवस्था है, ये हमारे जो गोपालक भाई है वो हर गोवंश तक गुड़ पहुँचे, हर गोवंश तक चारा पहुँचे, हर गोवंश तक हर चीज पहुँचे, इसकी एक व्यवस्था होती है। हमने एक प्रतीकात्मक इसकी शुरुआत कर दी, लेकिन ये सबको गुड़ खिलाएंगे और ये गुड़ आज इस बच्चे के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में खिलाया गया है। शंकर जी भाई साहब, ऐसा वैसे तो कई बार हमने देखा है कि जन्म दिवस लोग अपने अपने ढंग से मनाते हैं, लेकिन आज आपने, आपको कैसे ये प्रेरणा, तो वैसे तो आपने गोकथा करवाई है तो प्रेरणा तो आपके अंदर है, लेकिन आप क्या कहेंगे आज? आज मेरे पुत्र कार्तिक का जन्म दिवस है जी। पिछले कुछ समय पहले सिरोही में एक भव्य गो कृपा कथा का आयोजन हुआ था। महाराज श्री गुरुदेव जो वहाँ पधारे थे, उन्होंने अपनी उस कथा के प्रवाह में एक दिन में ये बताया कि हम जो बच्चों के जन्म दिवस पर इस प्रकार के फालतू खर्चे करते हैं जी, तो उन्होंने एक आग्रह किया कि आप अपने बच्चे के उसके वजन के बराबर जो गुड़ या किसी प्रकार की ऐसी सामग्री है जो गौ माताओं के भोजन के लिए काम आती है, वो सामग्री लेकर के आप उसके वजन के बराबर उनको खिलावें। तो मैं सोचता हूँ कि इसका एक बहुत बड़ा पुण्य हमको मिलेगा और गौ माताओं के लिए भी एक आवश्यक रहेगा। मैं सिरोही की समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों से, जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम इधर से उधर जाकर के लाखों, हजारों, सैकड़ों रुपए, मतलब इस जन्मदिन के उपलक्ष में हम खर्च करते हैं, तो उसमें से कोई भी भाग, मैं अभी ऐसा नहीं है कि मैं और भी कुछ नहीं, मैं इसके विद्यालय में जाकर के बच्चों को चॉकलेट जो बांटनी है उसको बांट के आया हूँ, लेकिन मैंने जो प्रेरणा ली है उस गो कृपा कथा से, तो मैं उसको कतई नहीं भूला और मैंने ये किया है। मैं आप सभी से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, सिरोही की धर्म प्रेमी सभी जनता को निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के जन्मदिन जरूर मनावे। हमें किसी प्रकार से ऐसे वेस्टर्न कल्चर से जन्मदिन मनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा ये जो पुरातन संस्कृति है, उस संस्कृति के हिसाब से जन्मदिन मना करके इसके भारों भार, इसके तोल के बराबर अगर कोई सामग्री लाके हम गौ माता को खिलाएंगे तो ये हमारे लिए और इस बच्चे के भविष्य के लिए भी बहुत उत्तम रहेगा। धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे भाभी जी? चलिए, बहुत बहुत शुभकामना, गौ माता की इनको कृपा मिलेगी। आज हम कुछ और चर्चा करना चाहेंगे और वो चर्चा ये रहेगी कि सिरोही की अर्बुदा गौशाला को 6 साल हुए हैं शुरू हुए। 6 साल हमने खोए नहीं है, 6 साल में हमने बहुत कुछ सीखा है। अब इसमें हम अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि हर सिस्टम को अपडेट करने का एक तरीका होता है, होना चाहिए। बहुत सारे सिरोही में विद्वान लोग हैं, बहुत सारे गौ प्रेमी हैं, बहुत सारे दानी हैं, भामाशाह हैं, और जिसको कहें कि देव संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं जिनकी संख्या हजारों में है।
अब हमने एक यहाँ एक गो पांजरा पोल की गौशाला देखी, वो भी 5 साल पहले शुरू हुई, लेकिन वो काफ़ी अच्छी हालत में है, जबकि उन्होंने ऐसे शुरू किया था, उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, कोई किसी तरह का वो नहीं था, लेकिन आज उसको राजस्थान की श्रेष्ठ गौशाला का एक प्रमाण पत्र दिया इसी 26 जनवरी को, तो ये एक प्रेरणादायी कार्य है। 6 साल पहले अर्बुदा गौशाला शुरू हुई, जिसका जो चूंकि 60 साल से बंद थी, ये हम जिस भवन को देख रहे हैं ये जर्जर हालत में हो चुका था, सिरोही के गो भक्तों ने और जिला प्रशासन ने बहुत मेहनत करके इस गौशाला को शुरू किया और आज तक चला रहे हैं, लेकिन हम इसको और अपडेट कर सकते हैं क्योंकि सुधार की हमेशा संभावना रहती है। सिरोही की ये अर्बुदा गौशाला ने कई उतार चढ़ाव देखे, निसंदेह सिरोही की अर्बुदा गौशाला बहुत बार सुर्खियों में रही, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब यहाँ ग्वाल संत पधारे थे तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा अगर इस गौशाला में कुछ कमियां हैं तो हमको दूर करनी चाहिए। शंकर जी भाई साहब आज यहाँ पे हैं, हालांकि आज इनका प्रयोजन दूसरा था कि इस बालक के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इन्होंने इनकी वजन के बराबर का गुड़ दिया, लेकिन इनका दूसरा प्रयोजन और भी था कि इस गो कृपा कथा के बाद में जो राशि बची थी, जिसका पहले से तय था कि इस राशि का उपयोग अर्बुदा गौशाला की गोवंश को चारे के लिए किया जाएगा, आज आपने इस तरह की व्यवस्था भी यहाँ की है कि बहुत जल्दी बड़ी मात्रा में चारा जो राशि बची है, लगभग 2 लाख के आसपास राशि बची है और बिल्कुल पाक साफ है, एक एक पैसे का हिसाब रखा गया है, ये इनकी मानता है क्योंकि ये अब हमारे अध्यक्ष भी थे, कोषाध्यक्ष भी थे और हमारे कार्यकर्ता भी थे, खम्ब थे और भी कई लोग थे, फिर भले नरेंद्र पाल सिंह जी हो या आनंद जी हो या दूसरे प्रकाश जी आदि जो जो भी भामाशाह थे, हम नाम महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब एक नई शुरुआत हम ये कर सकते हैं, चूंकि ये जिला प्रशासन के अधीन है गौशाला, जिला प्रशासन का मॉनिटरिंग होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा सिरोही के जागरूक लोगों की एक बड़ी टीम बनाने के हमारे प्रयास रहेंगे, जिसमें कोई अध्यक्ष नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन सभी लोग कर्मठ कार्यकर्ता होंगे, हर समाज से होंगे, हर गली से होंगे, हर मोहल्ले से होंगे, और वो लोग जैसे हमारे गो ग्रास की परंपरा है, जो परंपरा हमको याद दिलाई है इस गो कृपा कथा में, उस परंपरा का ही हम निर्वहन करेंगे। शंकर जी आप संक्षिप्त में बताओ क्या योजना होनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो नरुका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप अपने इस क्वालिटी जो आपके अंदर एक विशेष भगवान ने दे रखी है उसके माध्यम से आप जनता में जागरण करने का जो कार्य कर रहे हैं ये वास्तव में ही अद्भुत है। आज मैं इस अर्बुदा गौशाला में खड़ा हूँ, इसको मैं आज से नहीं, मैं बचपन से जानता हूँ, मेरा खेत यहीं पर पास में ही है तो हम लोग इधर से जाया करते थे, इस गौशाला में एक भी जीव कभी हमने देखा नहीं था हमारे बाल्यकाल के अंदर या हमारी युवावस्था में, लेकिन आज कुछ कार्यकर्ताओं की बदौलत या और प्रशासन की बदौलत हम सब ने मिलकर कर यहाँ पर जो काम किया उससे सैकड़ों की तादाद में करीबन 700 के आसपास यहाँ पे जी गोवंश है और गो माताएं हैं, लेकिन सरकार वैसे तो बहुत अच्छा काम करती है लेकिन सरकारी तंत्र हैं, कई बार फाइल को चलने में आगे बढ़ने में या कुछ तंत्र की व्यवस्थाओं के कारण से देरदार हो जाती है, निसंदेह जिसकी वजह से यहाँ पर निश्चित समय में जिस समय अपन को यहाँ किसी चीज की आवश्यकता होती है उसको आने में देर होती है, तो इसके लिए प्रशासन की समिति के अतिरिक्त एक समिति की आवश्यकता और महसूस की जा रही है, क्योंकि ये गौशाला जो है वास्तव में ये किसी धनाढ्य सेठों की नहीं है, ये पैसा वालों की नहीं है, यहाँ पर जो एक सामान्य व्यक्ति कार्यकर्ताओं के रूप में है उन लोगों को, वो लोग इसको चलाते हैं, गवर्नमेंट कैसे चलाती है वो आप हम सब जानते ही हैं, वैसे सब कुछ अच्छा है, पैसा भी आता है लेकिन पैसों को आने में देर होती है। हम चाहते हैं कि सिरोही के अंदर लगभग 1000 व्यक्तियों की एक टोली बनाई जाए और उस 1000 व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र से 1000 व्यक्तियों को के ऊपर 2-3 व्यक्ति जो है प्रतिनिधि के रूप में उसमें रखे जाएं और सतत उनसे संपर्क करके और मासिक आधार पर उनसे जो राशि गौ माता के लिए या गौशाला के लिए संग्रहित होती है उसका संग्रहण किया जाए। और उसके अलावा मेरे दिमाग के अंदर इस और भी कई कल्पनाएं हैं, एक बार अगर हम विधिवत रूप से हमारे उस एक स्टेटस पे आगे खड़े होंगे तो हम पूरे भारतवर्ष में इस गौ माता और इस गौशाला के लिए कैसे धनराशि का संग्रहण करना है
उसके लिए प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। आप सभी लोगों को उसके अंदर अधिक से अधिक जुड़ करके और इसका आगे बढ़ाने के लिए आप प्रयास करें, ऐसा मेरा निवेदन। शंकर जी भाई साहब, आपने बहुत अल्प समय में बहुत बड़ी बात कह दी, हमको घर घर से लोगों को जोड़ना है और अब समय आ गया है। प्रकाश जी भी हमारे साथ में हैं, जो बोलते तो है ही नहीं लेकिन काफ़ी काम कर जाते हैं। प्रकाश जी आप बहुत दुखी रहते हैं इस गाय के लिए, गौशाला का बस एक किस्सा, बड़े दुखी रहते हैं लेकिन आप सुखी भी हो जाते हैं ना यहाँ से, जब आपको लगता है कि यहाँ गोकथा होती है, जब आपको लगता है कि यहाँ जब चारे की गाड़ी उतरती है तो आपका चेहरा खिल जाता है। हम ये चाहेंगे कि आपका चेहरा खिला रहे, उसके लिए हम मतलब हम लोग, इसमें मैं शब्द का प्रयोग बार बार हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम लोग ऐसा कुछ करें। और एक बात और हम कह देते हैं विनम्रता से, जिन भाइयों को भी इसमें कुछ सवाल हैं हम उन सवालों पे सीधी चर्चा करेंगे बजाय कि चौराहे पे चर्चा करने के। मैं मेरी बात को अभी विराम देता हूं लेकिन अब समय आ गया है कि हम 6 साल के अनुभवों को अपडेट करते हुए, क्योंकि सिस्टम अपडेट होता है, सारा सिस्टम अपडेट होता है, उसको अपडेट करके सरकार के साथ राज समाज और भामाशाह मिलकर इस गौशाला को बेहतर ढंग से चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इस कार्तिक को धन्यवाद, इस कार्तिक को शुभकामना, शंकर जी भाई सबको धन्यवाद, जो हमारे इस गो कथा के एक पिलर थे, स्तंभ थे और इन्होंने अल्प समय में बिना किसी चिंता फिक्र के बहुत शुभ कार्य किया। मैं मेरी बात को विराम देता हूँ, नमस्कार।